हां जी, क्या हाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ख्याली खाना। तो जो भी खाना होगा आपके ख्यालों में उसको लाया जाएगा सामने। चलिए पेश करते हैं। कई बार मैंने देखा किया कंपनी ने अपने इंटरनेशनल फ्लेवर्स रेंज के पास्ता लॉन्च कर रखे थे। भाई दो फ्लेवर्स लाया हुआ, मसाला फ्लेवर और एक था पिरी पिरी अफ्रीकन स्टाइल। भाई सही लग रहे थे ना, मैं कहा चल यार लेके आते हैं, ये ट्राई करेंगे पास्ता, फिर किचन में जाकर उसको बना के लाएंगे और फिर देखते हैं भाई क्या चीज है। वो दोनों पैकेट लेके आता हूँ अभी। गाइस इन दोनों पास्ता की बात कर रहा था, देखो ये रहे भाई, तो पैकेजिंग इतनी सही लगी भाई। 35 का था ये भाई, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है तड़का सॉस मेकर और भाई हॉट सॉस मेकर इसके अंदर होंगे। चल यार देखते हैं, 35 का था और अंदर तो देख लेंगे। पहले एक बार कुकिंग स्टाइल देख लेंगे, रेसिपी क्या क्या है। यार सिंपल लिखा हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 4 तक है। मतलब पानी में बॉईल कर रहे हैं इसको और फिर मसाला जो है ना टेस्ट मेकर वो डाल के मिक्स कर दे रहे हैं और सिम पे इसको थोड़ी देर पका देंगे, 3-4 मिनट। चलो पहले ओपन करते हैं। भाई पहले खोला मैंने मसाला पास्ता इंडियन स्टाइल, एक ये रहा टेस्ट मेकर, ये रहा इनका स्प्रिंकलर। अच्छा जब ये बन जाएगा ना इसके ऊपर मसाला छिड़क देंगे और ये निकले भाई पास्ता। यार अगर क्वांटिटी तो मुझे इसमें ऐसे कम लग रही है, बट बाद में पता लगेगा जब वो बॉयल हो जाएगा। चलो दूसरा वाला ओपन करते हैं। इसमें भी क्या दो ही पैकेट निकलेंगे, सॉस मेकर और एक भाई स्प्रिंकलर। चेक कर लेते हैं, ये भाई पिरी पिरी पास्ता अफ्रीकन स्टाइल, ये रहा एक टेस्ट मेकर और ये रहा भाई स्प्रिंकलर। और दोनों में भाई पास्ता की शेप सेम ही है, ये देख रहे हो सिलेंड्रिकल है, ये देखो सिलेंड्रिकल पास्ता है। चलो फिर किचन में जाएंगे, अब इसको बना के लाता हूँ। पहले एक बार यार सॉस मेकर अगर यहाँ खोल दिया ना तो ये खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। सीधा किचन में जाके इसको बना के लेके आता हूँ। चलो गाइज ये देखो, पहचानना मुश्किल हो रहा था बट मैं समझ गया कि जो पीरी पीरी वाला ना वो ऑरेंज कलर में था और मसाला वाला थोड़ा लाइट येलोइश था। तो अब क्या करेंगे, स्प्रिंकलर डाल देंगे दोनों में। तो भाई पहले मसाला पास्ता वाला स्प्रिंकलर लेते हैं, थोड़ा सा डालते हैं भाई, पता लगे ज्यादा स्पाइसी हो गया तो खाया ही नहीं जाएगा। ये ऊपर की तरफ डालते हैं, मैगी मसाला तो नहीं लग रहा एक्स्ट्रा। अब डालते हैं भाई हमारा पीरी पीरी मसाला एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए। चलो ओ भाई साहब, अरे बहुत ज्यादा पीरी पीरी मसाला हो जाएगा यार ये तो। अब फर्स्ट बाइट तो बना लेता हूँ बट यार मसाला ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा मिक्स कर दूँ, थोड़ा मिक्सिंग कर लेता हूँ इसमें, ज्यादा हो जाएगा ये। चलो ये भी कर लेते हैं मिक्सिंग, ज्यादा मसाला फिर स्पाइसी बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। तो भाई पहली बाइट बनाते हैं हमारे पीरी पीरी अफ्रीकन स्टाइल पास्ता की और अब खा के बताता हूँ ये कैसा है। भाई अब खाते हैं पीरी पीरी स्टाइल अफ्रीकन स्टाइल पास्ता। भाई मुझे लग रहा है बिल्कुल मसालेदार होगा ये यार, ये तो बिल्कुल लग रहा था टोमेटो फ्लेवर, नहीं होता लेस चिप्स वो डाल रखा है, बिल्कुल वैसा टैंगी फ्लेवर आ रहा है टोमेटो वाला। नाम तो उन्होंने बिल्कुल दे रखा था अफ्रीकन स्टाइल पीरी पीरी पास्ता, बट यार टेस्ट बिल्कुल टैंगी टोमेटो वाला आ रहा है। ये बिल्कुल कह सकते हो भाई टोमेटो पास्ता है, रेड सॉस पास्ता नहीं होता, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है। अब मसाला पास्ता ट्राई करता हूँ, क्या ये मैगी जैसा टेस्ट करेगा। अब ट्राई करेंगे मसाला पास्ता। अरे वाह, ये वाला टैंगी फ्लेवर था ना, ये बिल्कुल लग रहा है लाइट मसाला, मतलब दोनों के स्वाद ना बिल्कुल अतरंगी से है। ये वाला बिल्कुल टोमेटो फ्लेवर और ये लग रहा है बिल्कुल लेस मसाला चिप्स का फ्लेवर, नहीं होता बिल्कुल वैसा टेस्ट कर रहा है, बट टेस्टी यार। एक बाइट और खाता हूं। नंबर बताऊ ना, ये मेरे को ज्यादा सही लगा यार मसाला पास्ता। टैंगी टोमेटो थोड़ा ठीक ही लगा क्योंकि मैं टोमेटो पास्ता मतलब रेड सॉस पास्ता ज्यादा खाता नहीं हूँ, ये वाला सही लगा मुझे। अगर आप ट्राई करने जाओगे ना
तो सबसे पहले मसाला पास्ता ट्राई करना, फिर ये वाला ट्राई करना, ये टांगी टोमेटो टेस्ट करना बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल। तो भाई कंपैरिजन बताऊं, मसाला पास्ता में लगा एक नंबर, ये आ गया लास्ट। बट अगर हाँ आप भी ट्राई करना ये वाला, भाई ये क्या है अफ्रीकन स्टाइल पीरी पीरी पास्ता और ये क्या है भाई मसाला पास्ता, दोनों ट्राई करना और हमको कमेंट सेक्शन में आके बताना आपको कौन सा सही लगा, हमें मसाला वाला ज्यादा सही लगा। तो भाई अगली वीडियो में लाते हैं एक नया ख्याल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दिख रहा होगा वो भी दबा देना। तब तक के लिए टाटा।